रामपुर के चाकू बाजार के पास रेडीमेड कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी दुकान में आग फैल गई। यह घटना देर रात की है, जब दुकान मालिक दुकान बंद कर निकल गया था, जिसके कुछ देर बाद ही दुकान में आग लगने की खबर उसे मिली। सूचना मिलते ही वह वापस दुकान पर पहुंचा तो आग पूरी तरह से दुकान में फैल चुकी थी। इसके बाद आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान मालिक के अनुसार इस आग में उसका लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि चाकू मार्केट में एक कपड़े की दुकान पर आग लगने की सूचना मिली थी, लेकिन अब फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। मालिक सलमान के अनुसार दुकान में 10 लाख से ज्यादा का माल था, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। जब उसने आग के कारण के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है, फिलहाल दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। रामपुर यूपी से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। चाकू मार्केट में एक कपड़ों की दुकान है सलमान, उसमें आग लगी है। बगल में एक शहजाद की दुकान है चाकू की, लेकिन उसमें हमारे फायर सर्विस के अधिकारी मौजूद हैं, बता रहे हैं उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। साइड की दुकान की आग की वजह से उनकी जो फर्निशिंग वगैरह है वो थोड़ा पिघल गई है। नहीं सर, पूरी दुकान उसका जो आग है वो इसी गारमेंट्स वाली दुकान में है। सलमान जो इसका मालिक है, यंग मैन है, उससे अभी मेरी बात हुई, जस्ट आपने उसकी भी बाइट ली है। उसके हिसाब से इसकी दुकान में 10 लाख से ज़्यादा का माल था और सामने सब दिख रहा है कि माल पूरी तरह से जल के नष्ट हो गया है। वैसे भी कपड़े की दुकान वकान में अगर आग लगती है तो माल जल ही जाता है, जो जलता नहीं वो फायर ब्रिगेड के बुझाने के बाद भी वो किसी काम का नहीं बनता बचता है। उसका नुकसान एक तरह से उस दुकान में 100% हो जाता है। इस दुकान में भी इनका 100% नुकसान हो गया है और कास्ट मालिक खुद बता रहा है कि आज 1 लाख का तो अभी उसके जेब में बिल पड़ा है, कुछ कपड़े ले आया था, लग 10 लाख से ऊपर का इसका वो खुद बता रहा है कि नुकसान है। मतलब क्या कारण है आग के, क्या कारण बता रहा है? देखिए, आग के कारण के बारे में अभी उसका ये कहना है कि 9:45 बजे वो दुकान बंद किया है और 4 लड़के यहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। उस पहलू पे भी यहाँ अगर CCTV फुटेज हैं तो उनकी सब हम खंगाल के आगे की कार्यवाही करेंगे और अगर 60 सर्किट होगा तो वो भी हमारी फायर सर्विस की टीम जांच करके ये रिपोर्ट देगी कि ये आग कैसे लगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।